बोलता था भाई पुलाय धीरे चलाना कहीं ऐसा ना हो कि टूटा हुआ हो। बोले घर आ गया, सब कुछ सकुशल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अभी भी मेरे चित्त में घूमती है वो बात कि वो क्या मेरे लिए कोई संदेश था। मैंने कहा कोई संदेश नहीं था। पहले आपके मन में ऐसा डर आया होगा कि कभी कहीं ऐसा हो ना जाए। बोले हाँ, ऐसा तो कई बार आता है। तो अगर चित्त में कोई विचार आया है तो उसको जब हम ज्यादा तूल देने लगते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क उसको डिलीट करने के पहले एक बार बड़े अधिकारी को, चेतन मस्तिष्क को भेजता है वो फाइल स्वप्न के रूप में। कोई भी चीज जिसको हम बहुत महत्व देते हैं वह पीछे स्टोर हो जाती है और वही स्वप्न के रूप में आती है मिला जुला करके। कुछ लोग स्वप्न में भगवान के दर्शन करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, प्रीतम से मिलते हैं। कोई तेज डर होता है उनके मन में तो वो स्वप्न में आ जाता है। कोई गहरा दोष होता है, कोई गहरी शत्रुता होती है, जो भी चीज गहरे गड़ी होती है कांटे के जैसी, वो सब स्वप्न में आता है और वो मिला जुला करके आता है। कभी कभी उसका चेहरा पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन होगा वही जो देखा है, जो सुना है, जो भोगा है, जो चखा है, उसी का ही आएगा। इंग्लैंड में फ्रायड नाम के एक मनोविश्लेषक हुए हैं, सिगमंड फ्रायड। उन्होंने स्वप्न पर ही बहुत काम किया है। उनकी एक पुस्तक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, स्वप्न की व्याख्या। और उन्होंने अपना पूरा जीवन, फ्रायड ने पूरा अपना जीवन स्वप्नों की व्याख्या में लगा दिया। उन्होंने कहा कोई आदमी भीतर से कैसा है ये उसके सपने बता देते हैं। फ्रायड ने कहा वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इससे पता नहीं चलता है। उसके जो स्वप्न निकल करके आते हैं वह बताते हैं उसके मन की खास दशा। इसीलिए उसने धर्म को भी कई बार व्यर्थ बता दिया, क्योंकि ज्ञानियों के भी स्वप्न ऐसे थे कि एकदम कचरा थे। जब फ्रायड ने उन पर काम किया तो उन्होंने कहा ये कोई ज्ञानी नहीं है, ये कोई धार्मिक नहीं है, इनके स्वप्न बता रहे हैं कि नाली में जीते हैं। तो धार्मिकों ने कहा ये गलत बोलता है, ये गलत बोलता है। उसने कहा मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है स्वप्नों की व्याख्या से, और स्वप्न वही हैं जो आपके भीतर स्टोर हैं। क्या स्टोर किया है ये आपके स्वप्न बताते हैं। जो परमानेंट फाइल है उसमें से चीजें डिलीट करते हैं, क्यों? ताकि नई बातें, नए विचार उसमें जाकर के स्टोर हो सकें। अगर पहले से मेमोरी फुल है तो नई बातें कहाँ स्टोर होंगी? तो मेमोरी से पुरानी फाइल डिलीट की जाती है ताकि नई के लिए जगह बने। लेकिन उसमें से जिसको आपने ज्यादा महत्व दिया है वह चीज मस्तिष्क को याद रहती है, और जागने पर अवचेतन मस्तिष्क पूछता है क्या इस फाइल को डिलीट करना था। अगर आप स्वप्नों के बारे में चर्चा करने लग जाएं, पूछने लग जाएं, दूसरे को बताने लग जाएं, उनका अर्थ खोजने लग जाएं, तो इसका मतलब है वो फाइल फिर से स्टोर हो गई, वो रिस्टोर कर ले रहा है, वो फिर रिस्टोर हो जाएगी। इसलिए जब कभी कोई स्वप्न देखें तो उस पर चर्चा ना करें, बतकही ना करें, बताएं नहीं, बस उसको निकल जाने दें। इसलिए जिसको